हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिस्ट। मेरा नाम अमित कुमार। आज मैं दो डॉग्स हैं मेरे पास, जो अरुण भाई के डॉग हैं वो है जर्मन शेफर्ड ब्रीड। ये जर्मन शेफर्ड क्यों स्पेशल है और आज मैं इनका वीडियो क्यों कर रहा हूँ, आप अगर इन जर्मन शेफर्ड को देखें तो ये शो लाइन कम वर्किंग लाइन ज़्यादा लग रहे हैं। एक्चुअल में जो जर्मन शेफर्ड का काम है, जिस पर्पस के लिए जर्मन शेफर्ड बना है, ये उस तरह के जर्मन शेफर्ड हैं। इनका कलर जरूर शो लाइन जैसा है, मगर अरुण भाई पिछले कई सालों से जर्मन शेफर्ड लैब्राडोर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ब्रीड को, जो हमारी ब्रीड ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, और आप देखोगे कि जर्मन शेफर्ड उस तरह के होते हैं कि जो पीछे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा, एक जो ब्रीड स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा एंगुलेशन होने की वजह से हिप्स और ये जो उनके लेग्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो हम जानेंगे अरुण भाई से कि ये किस तरह से इन पे काम कर रहे हैं और कैसे इस पे वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। आपको जर्मन शेफर्ड की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप जर्मन शेफर्ड आपको लेना है या रखना है तो एक जर्मन शेफर्ड कैसा होना चाहिए और कैसा दिखना चाहिए, वो चीज़ें आप इस वीडियो में आज आपको देखने को मिलेंगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकोगे अरुण भाई के द्वारा। जी अरुण भाई बताएं। ठीक है भैया, मैं अभी जो ये दोनों बच्चे हैं ना, मैं इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। जी, ये अपनी सेल्फ ब्रीडिंग के हैं, मतलब अपनी ही ब्रीडिंग के बच्चे हैं दोनों के दोनों। और इसमें जर्मन शेफर्ड में मुझे इतना पता है, जो स्टार्टिंग में अलिशेशन के साथ लोगों ने JSD को डाल के GSD तैयार किए है ना, तो वो अच्छे अच्छे ब्रीडरों से मैंने, मतलब कहीं ना कहीं से उनका ब्लड ले कर आगे कैरी करके, उनका टेम्परामेंट देख के, तब जाके ये ब्लड लेके, मतलब उनके कुत्ते यूज़ करके। हाँ, उनके हाँ। मतलब मैंने हमेशा फीमेल अपने पास रखी है, तो अच्छे अच्छे डॉग को उसमें ऐड करते जाना है और तब जाके मुझे ये ब्लड मिला है। अब जाके मेरी जो ये काम कुछ 50% पे पहुंच गया है। अरुण भाई, कितने साल हो गए आपको ये जर्मन शेफर्ड पे? जैसे लैब्राडोर का तो एक वीडियो है आपका, उसमें आपको काफ़ी टाइम आपको हो गया उस पर काम करते। जर्मन शेफर्ड में आप कितने साल से काम कर रहे हो? जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर दोनों में मैं सेम टाइम से काम कर रहा हूँ। जो उससे पहले मेरे को नॉलेज थी, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव है वो सारे ब्रीडर है। अच्छा। तो उन्होंने आर्मी के लिए ब्रीडिंग करी है बहुत सारी चीज़, तो मैंने उनसे ब्लड जो उनका देखता था पहले से, उनके पास बैठ रहा था, नॉलेज थी मुझे। 2014 से मैं प्रोफेशनली मतलब ब्रीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा। तो 14 से ही मैंने लैब और GSD की फीमेल अपनी एक एक कैरी करी, उसको नए नए डॉग करे, उससे ही फैमिली बढ़ाई है। मैंने ब्लड लाइन अपनी अलग ही बना दी पूरी पूरी दुनिया सारी की सारी। आप देखोगे लॉन्ग हेयर है और ये शॉर्ट हेयर है, जो बिल्कुल तक बोलते हैं बिल्कुल, लेकिन दोनों एक ही ब्लड है। ये मामा है और ये भांजी है। अच्छा। तो इस तरीके से डिजाइन करके हम लोगों ने अपनी तरीके से ही बच्चे तैयार करे। लेकिन इस सारे के सारे ब्रीडिंग में एक ही बेनिफिट है, मैंने ज़्यादा काम करा है टेम्परामेंट और दूसरा डिसीज। अभी तक इसकी जो नानी है वो घर पर एज हो गई है उसकी, लगभग मान के चलो 10-11 साल की है, खेल रही है कूद रही है। उससे हम लोगों ने सिर्फ 3 लीटर लिए पूरी लाइफ के अंदर, सिर्फ 3 लीटर। उन 3 लीटर की वजह से ही वो मतलब अभी भी खेलती है, कूदती है, सब चीज़ करती है। टेम्परामेंट देखा, अभी तक कोई उसमें मेजर डिसीज नहीं आई कुछ भी किसी भी तरीके से, कि जैसे लीवर किडनी फेलियर। डिसीज क्यों आती है? डिसीज इसलिए आती है, पहला तो हमारी केयर है सारी की सारी, और दूसरी जो बंदे ब्रीडिंग सिस्टम रन कर रहे हैं ना, वो डॉग को पहले से टेस्ट नहीं करते। अच्छा। वो किसी को किसी से भी कर दिया, मान के चलो एक हमारा डॉग है मेल, उसमें कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम है उसके, मतलब जेनेटिक्स के अंदर, आप उसे यूज करोगे तो नेक्स्ट टाइम कुछ बच्चे ऐसे आ जाएंगे कि उनमें बिल्कुल कुछ नहीं आने का, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके अंदर सब कुछ आ जाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ गए। तो यो आप अगर नोटिस करें बगैर वैसे ही, मतलब कि ये डॉग अच्छा है इसको इससे करा दो, ये इससे अच्छा है, तो उसमें मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट आते ही आता है सारा का सारा। तो हम लोगों ने क्या करा है, इसमें जितना भी रेडी कराया तैयार, ये सारी की सारी पहले तो डिसीज फ्री है। अभी तक का जितना भी हमने बच्चा दिया है ना, किसी में मेजर डिसीज कुछ आई नहीं है। मतलब फीवर हो गया या लूज मोशन हो गया, ये तो किसी ये के साथ भी हो सकते हैं, तो लेकिन नहीं। हमारे में लीवर किडनी फेलियर, HD की या फिर बाइट आउट की, वो सब चीज़ की, या फिर हार्ट फेलियर वाला, या एपिलेप्सी बोलते हैं ना कि दौरे पड़ते हैं डॉग को, अभी तक किसी बच्चे में, एक में ना लैब में, ना GSD, ना मैली में, ना टच में आज तक नहीं आए। ये मेरे पास अभी तक जितने बच्चे थे सबका रिकॉर्ड है, मेंटेन करा है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज एक और बता दूं मैं इसमें। जी बताएं। अभी इन सब बच्चों को टेम्परामेंट हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डॉग बना है हर्डिंग के लिए, बाइट करने के लिए, वर्क
किंग करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ काम, चाहे आप उससे सर्विस डॉग बना रहे या फिर उसे आप सेंट डॉग बना रहे या फिर आप प्रोटेक्शन डॉग बना रहे, कुछ भी जो भी चीज़ है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोग या तो वर्किंग GSD बोलते हैं अलग, या फिर सोलाइन GSD बोलते हैं। अगर ये एक ही डॉग सारा काम कर दे, ये डॉग आप देखोगे फिटनेस जो भी चीज़ है इनका, तो सबका एक ही काम चल रहा है। आप ये कहना चाहते हो कि आप कुछ ऐसी ब्रीड तैयार कर रहे हो जो वर्किंग जर्मन शेफर्ड और शोलाइन जर्मन शेफर्ड के बीच का कुछ हो? बीच का नहीं होगा वो, मतलब ऐसा होगा उसमें सब चीज होगी, या उसमें सब चीज होगी, मतलब कलर होगा उसमें शोलाइन का और काम होगा वर्किंग का, बस। ये बहुत बड़ी बात है, एक्चुअल में जर्मन शेफर्ड का जो काम था वो उसी पे आ जाएगा फिर जी। तो और कुछ बताना चाहोगे आप? और कुछ इस सब में टेम्परामेंट है, मेरे जितने भी डॉग हैं ना उनका सबका टेम्परामेंट मैंने ऐड किया है। जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है वो बहुत जल्दी अनकंट्रोल हो जाती है, अगर जो वैसे बंदे के पास रखते हैं, लॉयल है बट अनकंट्रोल भी बहुत जल्दी हो जाती है। एक चीज़ और छोटी सी आप मुझे बताओ कि अगर किसी को जर्मन शेफर्ड लेना है, रखना चाहता है, वो क्या क्या चीज़ें देखे जर्मन शेफर्ड में, एक पप लेने से पहले क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कहाँ से ले और किस से ले, ये जरूर और बताएं। ये तो बहुत टफ हो गया क्वेश्चन जो कोई है। बात नहीं, टफ है तो आप इजी करके बता दें। सबसे सिंपल चीज ये है कि अगर आप जर्मन शेफर्ड ले रहे हो तो मैं वापस से अपने हर वीडियो की तरह से जर्मन शेफर्ड के बारे में आप जान लो कि वो किस लिए बना है। अगर आपका पर्पज वो है तब आप लो वो, नहीं किस लिए बना है उसमें आपको आइडिया लगेगा। जर्मन शेफर्ड है एक हर्डिंग डॉग कि जो चरवाहे हैं उनकी भेड़ बकरियों को वो इकट्ठा करता था, गार्ड डॉग था, पुलिस भी यूज़ करते हैं। तो इसके दो तीन काम है, भागता ज़्यादा है, दूसरा ये मतलब सबको इकट्ठा कर लेगा जानवरों को। तो जर्मन शेफर्ड के टेम्परामेंट होते हैं कि अगर किसी घर में 5-6 बच्चे भी खेल रहे हैं ना तो ये उनको खेल खेल में उन्हें भी इकट्ठा कर लेता है। तो इस टाइप के जो बिहेवियर है वे सारे के बारे में पहला तो पढ़ लो, उससे आपको पता चलेगा हाँ ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं है। स्निफिंग भी करता है, सबसे पॉपुलर ब्रीड है जो अभी तक वर्ल्ड में चली आ रही है, 1978 से अभी तक मतलब नंबर वन पे चली आ रही है जर्मन शेफर्ड जो सारी की सारी। तो ये सारी चीज़ आप देख लो पहले तो कि पर्पस क्या है ब्रीड का बनने का और वो हमारे लाइफ स्टाइल में सेट होगी कि नहीं होगी। दूसरा चीज, कोई भी ब्रीड आप ले लो अगर आप उसकी ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो वो ऐसी है कि कंपनी ने फरारी बना दी और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक ड्राइवर उस पर बैठा दिया, वो किसी को भी मारेगा, किसी को भी तोड़ेगा। आप कितना भी टेम्परामेंट सेट कर लो, एक अच्छा ब्लड है वो एक लिमिट तक रुकता है। तो ट्रेनिंग का जो क्राइटेरिया वो हर किसी के लिए मस्ट होना चाहिए। और इंडिया में मेरा मानना तो ये है कि जो भी ट्रेनर है उनके लिए सर्टिफिकेशन एक गवर्नमेंट ने अभी किया है शुरू, तो सर्टिफिकेशन हो और जो बंदा मतलब डॉग रख रहा है उसके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि उसको 3 महीने का डॉग ट्रेनिंग प्रोग्राम लेना है कि कैसे बच्चा रखना है, कैसे उसकी एक्सरसाइज करवानी है और कैसे उसे सेट रखना है अपनी लाइफ में। तो ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने जर्मन शेफर्ड के बारे में आज अरुण भाई ने दी, और किसी भी तरह की अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आपको अरुण भाई से चाहिए तो मैं वीडियो में भाई का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो सारी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी और वहाँ से जाके आप अरुण भाई से बात कर सकते हैं। थैंक यू।